हेलो भाई जयंत, और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आपकी यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्ज़ाम की। आपको पता है 24 तारीख को आपका पैट का एग्ज़ाम है, उससे पहले ही आपकी पेपर लीक की न्यूज़ आने लगी है। आपको पता है, अभी मैं फेसबुक पर व्हाट्सएप पर देख रहा था कि भाई पेपर जो है आपका अम्बेडकर नगर में लीक हो चुका है। जो आपका अम्बेडकर नगर है एक ज़िला, तो वहाँ पर आपका जो है लीक हो चुका है पेपर आपका जो है पैट का। ठीक है, तो मैंने उसके बारे में थोड़ी पड़ताल करी, क्योंकि व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर हर जगह चल रहा है कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, तो असली मामला क्या है। तो लाइव हिंदुस्तान ने वो खबर आपकी शेयर कर रखी है। अगर आप, मैं इसको देखूं, थोड़ा सा ध्यान में एंड तक सुनना इस बात को, ठीक है। मैं एंड तक आपको कुछ ना कुछ आपको बताता रहूँगा इसमें, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी पैट, अम्बेडकर नगर में PET पेपर लीक की तैयारी कर रहे 4 अरेस्ट। मतलब तैयारी कर रहे थे, अभी लीक नहीं हुआ है। अगर आप आगे पढ़ोगे इसमें, तो देखो ये है इसका मामला पूरा, कितने रुपए लिए जा रहे हैं, क्या लिए जा रहे हैं, और आगे संभावना क्या है, पेपर लीक होगा या नहीं होगा। देखो, अकबरपुर कोतवाली और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने 24 अगस्त को होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा से पहले पेपर लीक करवाने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने शुक्रवार को 4 लोगों को गिरफ्तार कर अपने कब्जे में पेपर लीक से संबंधित हाथ से लिखी उत्तर कुंजी, 6 मोबाइल फ़ोन, 1 कार और 2 बाइक बरामद की है। अब देखिए, इसमें जो लिखा है उत्तर कुंजी, उत्तर कुंजी मतलब कि जैसे पेपर है, मान के चलो पेपर है, उसके जो आंसर क्या होंगे, उसकी मतलब आंसर क्या होगा। जैसे 24 तारीख का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का, तो मान लो उसमें पूछ लिया आपका कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, या फिर आपसे पूछ लिया भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, या फिर कोई भी सवाल पूछ लिया, तो उसका आंसर होगा जैसे भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो इस तरीके से ये जो फर्जीवाड़े लोग करते हैं, इस तरीके से इनके पास में आंसर की होती है। तो ये पूछ रहे हैं इनके पास में लिखी उत्तर कुंजी। अब देखो, जो लिखित उत्तर कुंजी है वो पेपर से मैच कर रही है या नहीं, वो बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अगर वो पेपर से मैच कर रही होगी, तो इसका मतलब यहाँ भी हो रही है तो कहीं और भी हो रही होगी। पर इसमें ये नहीं लिखा कि बिल्कुल पेपर से, बिल्कुल जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी की उत्तर कुंजी थी। इसमें सिर्फ ये है कि कब्जे से पेपर लीक से संबंधित हाथ से लिखी उत्तर कुंजी, हाथ से लिखी मतलब कि भाई पहले का ये आंसर है, दूसरे का बी आंसर है, इस तरीके की उत्तर कुंजी मिली। अब देखिए, इसमें प्रश्न ये बनता है, इन्होंने पूरी क्लियर बात नहीं करी कि वो पेपर से मैच कर भी रही है या नहीं कर रही है। भाई मान के चलो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको एंड में बताऊंगा। फिर आगे बढ़ें, इससे इसमें क्या है, पकड़े गए लोगों में 1 प्रतापगढ़ का और 3 अम्बेडकर नगर के। बताया जा रहा है कि यह परीक्षा प्रदेश में पहली बार आयोजित की जा रही है। इसके लिए 20 लाख के करीब, आपको पता ही है, पूरे बच्चे हैं। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि तड़के लगभग 3 बजे थाना कोतावली अकबरपुर टीम ने स्वाट टीम जिला अस्पताल पर गश्त कर रही थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि जिला जज आवास के बगल के मैदान में बाइक से कुछ व्यक्ति आए, एक कार के अंदर बैठे हुए 24 अगस्त को होने वाले प्रारंभिक पेपर आउट कराने की तैयारी में थे। इससे आगे पढ़ें, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते थे उत्तर कुंजी, मतलब व्हाट्सएप पर आपको, जैसे मान के चलो आपने पैसा दे दिया तो व्हाट्सएप पर भी आपको उत्तर कुंजी इसकी भेज देंगे। अकबरपुर कोतवाली क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम PET परीक्षा के लिए कराने की तैयारी कर रही है। ये तो हो गया हो गया हो गया। और भाई ये आपको देख सकते हो इसमें, अब इसमें क्या है, राधे श्याम 2016 में हुए पेपर लीक में जेल जा चुका है। मतलब इसमें कोई राधे श्याम बंदा है, वो पहले भी पेपर लीक वाले मामले में जेल में जा चुका है। अब इसका क्या तात्पर्य है कि भाई देखो, इसमें जो अभी जो इसमें न्यूज़पेपर में आई है खबर, उसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि जो उनके पास में आंसर की पाई गई हैं, जो उनके पास में आंसर की पाई गई हैं, वो पेपर से मैच कर भी रही हैं या नहीं। क्योंकि बहुत से लोग फर्जी काम करते हैं, जैसे पैसे ले लिए बच्चों से, फर्जी इसको आंसर की दे दी, फर्जी आंसर की दे दी, और बाद में पैसे भी डूब गए बच्चों के। अब इन्होंने पेपर में ये क्लियर नहीं किया है कि भाई पेपर से जुड़ी है या नहीं। अब देखो, STF इस काम पर लगी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैं आप सभी बच्चों से एक विनम्र निवेदन करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर किस लिए, आपका कोई मित्र ऐसा भी होगा जो आपको नहीं बताने का, मैं फिर ध्यान से बात सुनना, क्योंकि जिसका अगर कहीं ऐसी सेटिंग होती है, हमारे इधर बोलते हैं इसको जुगाड़, अगर उसका किसी दलाल के थ्रू या किसी के थ्रू सेटिंग है उसकी, और चाहे ओरिजिनल हो, चाहे उसको 100% पेपर भी मिल रहा हो, तो हर किसी को शेयर करे, और वो आपको बताएगा भी नहीं कि अभी मेरी सेटिंग हो रही है, क्योंकि आपको बताएगा तो फंस जाएगा वो। तो मैं आपसे इतना अनुरोध करूँगा कि हर किसी को ये ग्रुप में शेयर करें, ताकि ताकि क्या है कि मान के चलो आपको आंसर की मिल भी गई, सपोज़ करो, वैसे तो पुलिस बहुत सख्त है, STF लगी हुई है, योगी सरकार भाई इस मामले में बहुत सख्त है, आप मानो या ना मानो, घर की प्रॉपर्टी तक कुर्की हो जाएगी अगर कोई पकड़ा गया। अब ये पकड़ा गया, इन चारों का हर्ष देख लेना क्या होगा। अब क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर किसी ने सेटिंग करा रखी है, जो कोई बच्चा देख रहा है, अगर उसको लग रहा है कि वो चालू है, तो भैया तुमसे ज़्यादा चालू सरकार है। अगर मान के चलो तुम्हारा पेपर हो भी गया,
सपोज करो पेपर हो भी गया और उससे 10 से 12 दिन बाद या फिर 2 महीने बाद या फिर 2 साल बाद आपका जो है जिसने दलाल ने आपका काम कराया है, ठीक है, जिस मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस दलाल ने आपका काम करवाया है अगर वो पकड़ा गया तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन देगा, वो सरकार भाई जो जांच एजेंसियाँ उससे पूछेगी तूने किस किसका कराया। अगर आप होता हुआ काम भी समझ रहे हो, अगर आपका पेपर में सिलेक्शन भी हो गया और बाद में आपका नाम खुलता है कि भाई फलाने दलाल ने इसका नाम लिया है, इसका पेपर इसने कराया है, भाई साहब जेल तो जाओगे जाओगे, जीवन में कभी सरकारी एग्जाम में बैठ नहीं पाओगे और बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको भी और आपके परिवार को भी। तो ये शॉर्टकट ना अपनाएं, मैं इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना हर ग्रुप में ताकि हर बच्चा देख पाए कि भाई पेपर लीक होना मतलब क्या। दूसरी बात, पेपर लीक होने की संभावना मेरे हिसाब से 1% भी नहीं है। अभी जो ये लोग पकड़े गए हैं मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि 4 दिन पहले इनके पास में आंसर की कैसे आ गई। पेपर प्रिंट हो चुका है पर अभी तो वो स्कूल वगैरह में तो हैंड टू हैंड आएगा, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन ही आएगा और उस दिन भी उसका एक वो होता है प्रोसेस, ठीक है, जो जो इसका जो सील टूटती है ना वो भी बच्चों के सामने टूटती है उसकी, जो आपका जिसमें पेपर होता है। तो अभी तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जहाँ तक उम्मीद है जो आंसर की हैं वे फर्जी ही होंगी क्योंकि पेपर में क्लियर नहीं दिया जो आंसर की हैं कि भाई वे मैच ही कर रही थी बिल्कुल आपका क्वेश्चन पेपर से, वो तो जांच एजेंसियाँ बताएंगी, ठीक है। पर मैं फिर बता रहा हूँ सरकार बहुत सख्त है, एसटीएफ भी सख्त है। और दूसरी बात, आप अगर सरकार देखिए आप अगर ऐसे शॉर्टकट अपनाते हो तो एंड में आके आपको दिक्कत होगी। हमारे मित्र हैं जान पहचान में हैं, ठीक है, उनके गांव में एक केस हुआ था, एक लड़का इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो गया, ठीक है, दलाल के थ्रू, बाद में वो दलाल भी पकड़ा गया, उस दलाल के थ्रू पता भाई सरकार जो एजेंसी उन्होंने पूछा भाई तूने कौन कौन कराया है, अब इनके पास तो पूरी डिटेल रहती है, उन्हें बता दिया भाई फलाना आदमी मैंने कराया है, वो आज नौकरी से हाथ धोकर घर बैठा है और मुकदमा और चल रहा है उस पर 420 का धोखाधड़ी का, समझ रहे हो। अगर आपसे जाने अनजाने में अपराध हो रहा है तो वो अपराध नहीं होता, पर अगर आप जानबूझकर अपराध कर रहे हो तो वो अपराध ही माना जाएगा। पेपर लीक, अगर आप पेपर लीक कोई और भी करवा रहा है आपको पता है तो आपका फर्ज बनता है पुलिस को सूचना दो, समझ रहे हो। अगर आपका कोई दोस्त है पहले उसको समझाओ कि भाई ऐसे उसमें काम में मत पड़। दूसरी बात, इसमें पैसे भी बहुत मरेंगे। पिछली वैकेंसी जब आई थी यूपी कॉन्स्टेबल की, लोगों ने ये कहा कि सर फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, मैंने कहा भाई योगी सरकार है कुछ नहीं होगा। देखो योगी सरकार की आप कितनी बुराई करो, प्रशासन की कितनी बुराई करो, पर इस मामले में प्रशासनिक कार्य में गुंडागर्दी खत्म कर दी, हर चीज़ खत्म कर दी, ये भी खत्म है। बहुत ही रेयर रेयर चांस है कि भाई पेपर लीक हो जाए, मैं कह रहा हूँ पेपर लीक ही नहीं होगा। और अगर आप इस चीज़ों में पड़े हैं, आपका कोई मित्र पढ़ा है कि भाई मेरी सेटिंग है ये है वो है, तो भाई पैसे बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा अंत में, क्योंकि अंत में जब देखोगे जिस दिन आपके पास में आंसर की आएंगी वो मैच ही नहीं करेंगी आपकी। तो ये सब फर्जीवाड़ा है, इनसे बचें और अपने परिवार को अपने दोस्तों को बताएं कि भाई इन चीज़ों में ना फंसें। ये सब एक शॉर्टकट है, मान के चलो आपका हो भी गया 1%, मैं मानता हूँ कि चलो भाई आप बच भी गए सरकार से प्रशासन से, 1% आप बच भी गए, और वो दलाल 1 महीने बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद पकड़ा भी गया तो क्या जांच एजेंसियाँ उससे पूछेंगी नहीं कि भाई तूने किस किस का एग्ज़ाम कराया, किस किस का लीक कराया था पेपर। और उसके बाद में अगर तुम्हारा नाम आ गया तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब जीवन में तो कभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे नहीं पाने के। दूसरी बात, मुकदमा और होगा प्रशासन की तरफ से, होना भी चाहिए जो लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि अपराध करवाना और अपराध होने देना अपने सामने वो भी एक क्राइम है, ठीक है। अब आपको अगर जाने अनजाने में हो रहा है, देखो वो अपराध नहीं होता, आप आईपीसी पढ़ रहे हो, अगर आपको ज्ञात नहीं है कि ये भाई अपराध है, जैसे मान के चलो हम कुछ कर रहे हैं और हमें ये पता ही नहीं है कि ये अपराध है और हमसे कुछ हो जाए तो वो बात अलग है, पर ये तो सबको पता है। अगर आप पेपर लीक करा रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें सम्मिलित हो तो मुकदमा आप पर भी चलेगा, आपको भी पता है मैं गलत काम कर रहा हूँ। अगर मुझे पता है कि ये मुझे कुछ आभास ही नहीं हो रहा, मेरा अंतरात्मा मैं यही कह ही नहीं रही कि भाई ये अपराध है और मैं उसमें लिप्त हूँ, तो बात अलग है। पर अगर आपको पता है कि ये अपराध है और उसमें आप लिप्त हो तो भाई साहब लंबे जाओगे लंबे, और जीवन में तो कभी किसी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ नहीं पाओगे, और परिवार की और भाई साहब हर किसी की इमेज और जो ख्याति है सब बर्बाद कर दोगे आप। तो मैं कह रहा हूँ इन चीज़ों से बचें। अभी जो है ये न्यूज़ इन ट्रांजेक्शन है, इसकी कोई क्लियर जिसकी क्लियरिटी है अभी इसकी कुछ नहीं आई, इसके बारे में कुछ नहीं है अभी, ठीक है, जैसे भी कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में ना ज़्यादा सोचें, अपना तैयारी करें। जो भी ये लोग पकड़े गए हैं अच्छी बात है, देखो पकड़े जा रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, एसटीएफ अपना काम कर रही है, आप अपना काम कीजिए, पढ़ाई में मन लगाइए। और जो ये फालतू में व्हाट्सएप पर फेसबुक पर चर्चाएं चल रही हैं कि पेपर लीक हो गया लीक हो गया, पेपर लीक नहीं हुआ है भाई, बल्कि ये लोग पकड़े गए हैं। अब जो ये आंसर की मिली है इनके पास में ये फर्जी भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अभी पेपर अभी आया ही नहीं कॉलेजों में तो कहाँ से लीक हो जाएगा।
तो ये सब मूर्ख बनाने का काम है, पैसे ले लेंगे आपसे, फर्जी आंसर की आपको भेज देंगे, और जब आपका पेपर मैच नहीं होगा फिर आप फ़ोन करोगे इनके पास, फिर आप इनके पास में फ़ोन करोगे, ये आपका फ़ोन भी नहीं उठानेंगे, ठीक है। तो बस मैं इतना कह रहा हूँ, इस चीज़ पर ध्यान रखें, फर्जीवाड़े में ना फंसे। अगर आपका कोई मित्र है आप उसको भी समझाएं, वीडियो को शेयर करें, और बस इतना ही कहूँगा, आप समझदार हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।